हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12। जैसे आपको पता होगा, मम्मी पापा है नहीं घर में और पंगा हो गया। इसकी स्कूल की छुट्टी होगी क्योंकि सभी लेट उठे। मेरे को उठाया नहीं मैं। अब मम्मी कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, तो क्या पूरा 3 दिन देरी छुट्टी होगी स्कूल की? पागल हो गया। गलती सिर्फ सोनू भैया की, सोनू भैया ने इसको उठाया नहीं। मैं खुद नहीं उठ पाया। मुझे तो पता था पक्का नहीं उठाया कोई भी। मम्मी देखी, मम्मी गुस्सा करेगी, मम्मी कहेगी तूने पीयूष को स्कूल नहीं भेजा। चलो जो भी है, आज गलती होगी लेकिन कल से गलती नहीं होनी चाहिए। बड़े में कहती है 9 बज गए, 8:30 बज जाते हैं, मैं को तो टाइम देखता हूँ। अरे हाँ, मम्मी ऐसी करती थी भाई, एक घंटा बाद तुम बोलते। हाँ, मेरे टाइम में भी ऐसी बोलती थी। बजे नहीं, बजे 6 होते थे, मम्मी बोलती 7 बज गए, फिर मैं जल्दी से उठता था क्योंकि 7:30 का टाइम था ना। फिर देखते थे यार, 1 घंटा पहले उठा दिया मम्मी। मम्मी की स्ट्रेटजी, लेकिन मम्मी मम्मी होती है यार, मम्मी होती है ना तो घर के सारे काम हो जाते हैं, स्कूल भी चले जाते हैं, खाना भी हो जाता है। और आज हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, तो देखते हैं। और हाँ, एक आज वो करें, आज मतलब हाँ आज एक चैलेंज करते हैं क्या? कि आज पूरे दिन में बाहर का नहीं लाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, बोलो, सिर्फ घर में बना के खाएंगे। मम्मी नहीं है तो मम्मी को दिखाएंगे कि हम घर पे बना के खा सकते हैं। बाहर का मैगी खा ही ली हमने। मैगी खा ली? अबे यार, ले उठते ही मैगी बना दी। कोई नहीं, आप मत खाना, आप भी मत खाना, मैं तो खा लूंगा। अब बनिया तो खाऊंगा ना, देखना देखना देखना, खुद बना तो खाऊंगा ही, खुद रोटी बनाओ, खुद सब्जी बनाओ, खाओ उसको। ना ना, तो मैगी बन चुकी है घर में, सुबह सुबह मैगी खा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद अब पूरा दिन बाहर का नहीं लाएंगे, ठीक है? अब कुछ बनाएंगे घर में। तो देख लो मम्मी जी, आपके जाते ही हम चारों भाई कैसे भूखे हो चुके हैं। 12 बज गए, अभी तक कुछ नहीं खाया है, ये स्कूल नहीं गया है, साहिल कॉलेज नहीं गया है, सोए पड़े हैं सबके सब, अभी उठे हैं सारे, वरना तो 8:30 बजे ही खाना खा लेता। फिलहाल तो थोड़ी सी मैगी पड़ी है जो कि सोनू भैया ने बनाई थी, ये खा लेता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्या बनाना है लंच में। रात को मैंने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, पीयूष को उठा दूंगा, इसको रेडी करेंगे, इसके लिए खाना बनाएंगे और इसको स्कूल भेजेंगे। सारा प्लान खराब। और क्या खा रहे हैं? मैगी ना, ना यार, ना किसी ने। तो गाइस, बात ऐसी कि और ये कोई मम्मी जी की और पापा जी की बहुत याद आ रही है, तो ये देखो आराम से अभी हमारे साथ में बैठा हुआ है। आराम से थोड़ी बैठे हो। अभी सोनू भैया बना रहे हैं खिचड़ी, हमारा आज लंच में खाएंगे खिचड़ी। खिचड़ी से आसान चीज बनाने के लिए कुछ होती नहीं है, तो फिलहाल खिचड़ी खाएंगे आज। डिनर में देखते हैं क्या खाएंगे उसके बाद। तो गाइस, अब मुझे लग रहा है कि मेरे को बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए कि कैमरा या फिर मोबाइल रिकॉर्डिंग इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज कोई भी आ रहा है, गेट खोल रहे तो सीधा कैमरा ऑन मिल रहा है हमको, तो इतना एम्बेरिसिंग सा लगता है ना, एकदम से गेट खोलो कैमरा ऑन हो। तो पेश है आपके सामने ताज़ा ताज़ा गरम गरम सब्जियों से भरी हुई खिचड़ी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही है। तो अब हम करेंगे खिचड़ी पार्टी, क्योंकि मम्मी तो घर में है नहीं, तो सबसे ईजी चीज़ यही बन सकती है। अरे मारते क्यों है मेरे को? कब मार दिया तेरे को? गाइज, उनकी लड़ाई हो रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज कॉपीराइट पड़ जाता है। तो मैं तुम एक काम करो, तुम पास ही मत आओ, तुम दूर रहो, एक दूसरे तुम एक दूसरे हाथ मार यार। ओए गिरी, क्या यार क्या कर रहे हो तुम? ये बच गए, देख तेरी खिचड़ी बच गई, नहीं तो शहर ही गिर जाती नीचे। तुम मत जाना उसके पास में, क्यों जा रहा है उसके पास में, अलग रह तू। साहिल, अगर तुम दोनों के नहीं बनते हो तुम साथ में मत रहा करो, अलग अलग रहा करो, तू उस कमरे में, तू उस कमरे में, अलग अलग बैठ जा। पीसी तू इधर आ, इधर आ, इस कमरे में, चल इधर बैठ, नीचे बैठ जा, यहाँ नीचे बैठ, ऊपर नहीं नीचे बैठ, हाँ यहाँ बैठ। तो फिलहाल अभी पीयूष ट्रांसफर कर रहा है आलू और सब्जियाँ वगैरह जो भी हमने खिचड़ी में डाली है, उसको पसंद है, उसको नॉर्मल खिचड़ी पसंद है। गाइस, इनकी लड़ाई इतनी तगड़ी होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट इतनी तगड़ी, कल भी हुई थी, आजकल 2 दिन से डेली लड़ाई हो रही है इनकी। सोनू भैया को कहता है यार क्या हो जाता है, हाथापाई तगड़ी वाली, हाथापाई, लात, घूसे, चप्पल, डंडे सब लग जाते हैं भाई। तुम अभी मत लड़ो, मम्मी के आने के बाद कितना ही लड़ लेना, अभी मत लड़ो। लेकिन अब एक काम कर, कल तूने 2 पहाड़े याद किए थे ना, 13 का आज उससे आगे याद कर, इतने मैं एडिटिंग करता हूँ, ठीक है? खोल तो ले, अखबार सब चढ़ा रहे हैं। अरे ये तो सेम बना दिया यार तुमने, और ये हो गया भाई, सेम लग रहा है, ये सेम चीज यूज किया उन्होंने। अगर आपके पास 1 मिलियन नहीं है तभी ये भाई साहब आपके लिए बना देंगे, तो इनसे कॉन्टेक्ट करिएगा। हमारा ब्लॉग वाला नहीं आ रहा है बट हमारे पास अब आ चुका है, डायमंड भी बना दो, डायमंड बिल्कुल बिल्कुल डायमंड। अभी 10 मिलियन हुए तो है नहीं, डायमंड पहले हमारे हाथ में आ जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 6:18, तो अब जाके मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो गई, अब मुझे लग रही है भूख, तो चलो मैं एक बार आटा गूंदता हूँ, फिर रोटी बनाते हैं और दाल वगैरह बनाएंगे, दाल रोटी बनाएंगे आज। और घर के बाहर बच्चों का मेला लग चुका है, देख लो। आई थिंक इतना आटा बहुत है, तो यहाँ पे बैठ के आराम से आटा गूंदेंगे। यहाँ बैठ के ना वैसे ही पॉजिटिविटी आती है, देखते हैं कितना टाइम लगता है आटा गूंदने में, ठीक है? राइट नाउ इट्स 6:25। घर में फिलहाल अकेला मैं ही हूँ, पीयूष बाहर गली में खेल रहा है और सोनू भैया और साहिल कहीं मार्केट गए हैं काम से कुछ सामान लेने के लिए।
तो मेरे को लगा जब तक वो आ जाएंगे तब तक मैं आटा गूंद देता हूँ ना। आ गए हैं, आ गए हैं, मेरे हाथ आटे के हो रहे हैं। खोलो खोलो आटा। मैं जरा जब तक गूंद देता हूँ ना। ले आए सामान, ले आए, अब दाल बनानी है। दाल आप बना देना, ठीक है। आटा बहुत होगा इतना, बनाओ फिर दाल बनाओ। जाओ पहले पीयूष से दूध मंगाओ, उसके बाद आरती करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे। तो पीयूष करेगा पूजा, मैं रोटी बनाऊंगा, एंड सोनू भैया गए हैं दूध लेने। हाँ दूध लेने, सारा काम जल्दी जल्दी करके खा पी के फिर मस्ती करेंगे शाम को। एडिटिंग आज मेरी हो ही गई है। तो अभी टाइम हो रहा है 6:36, तो 25 पे स्टार्ट किया था, अराउंड 10 मिनट में मैंने गूद दिया आटा और काफी प्यारा गूंदा गया। देखो तो गाइस, और मेरा काम ये है कि हम दोनों को बैठ के यहाँ पर पूजा करनी है ना ओली। तो गाइस बात ऐसी है, पूजा हो चुकी है, आटा गूंद लिया है, अब दाल भी बन चुकी है, बस अब रोटी की बारी है। और अब रोटी मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बाहर से आज हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो रोटी दाल खाएंगे, मजे उड़ाएंगे। बेलन कहाँ है? बेलन हियर, लाइटर। तो हमारी पहली रोटी फुल गई, पहली रोटी फुल गई। भाई ऐसे बनाते, बनानी आनी चाहिए यार रोटी। और जलाओ मत रे। कहाँ है टिप्पन? कहाँ है टिप्पन? तो दे, रोटी का टिप्पन ही नहीं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मुझे रोटी बनानी आ सकती है, मतलब इंडिपेंडेंट हूँ मैं अभी। yes. खाने के मामले में खुद बना के खा सकता हूँ मैं। 16 का पहाड़ा सुना दे, आईपैड ले ले। आईपैड मांग रहा है मुझसे, और आज दिन में इसने पहाड़े याद नहीं किए। 16 का पहाड़ा सुना दे, आईपैड ले जा। दूसरी रोटी भी रेडी है हमारी फूलने के लिए, फूल चुकी है ये भी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल ये लास्ट रोटी है, अराउंड मैंने 20 रोटियां बना ली है, एंड लास्ट रोटी भी फूल चुकी है अच्छे से, आटा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आज काफी टाइम के बाद मैंने इतनी सारी रोटियां बनाई है एक साथ में। स्टार्टिंग में लग रहा था जब पहली रोटी बनाई दूसरी रोटी बनाई, लेकिन जब बनाता क्या पता ही नहीं चला। अराउंड 10-20 मिनट में बना दी सारी रोटियां। अब मुझे भूख लग रही है, खाता हूं मैं। तो खाना हो चुका है, इतनी तगड़ी वाली भूख लग रही थी कि जल्दी जल्दी खा ली मैंने रोटी। काफी अच्छी रोटी बनाई यार, मतलब टेस्टी थी। और फिलहाल कड़क चाय। तो गाइस अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और ये बस गेम ही खेले जा रहे हैं। और 2 दिन हुए हैं इस गेम को आए हुए, इसकी सारी बैटरी सारे सेल खत्म भी हो चुके हैं। देखो आवाज भी इसकी डिफरेंट हो गई, अब स्क्रैच पड़ गया। स्क्रैच तेरे लिए मैं दूसरा लगाऊंगा, इसको संभाल के रख ले। ये फ्लैंग भी सर ने दिया है, स्क्रैच तो पड़ेंगे, अब खेल रहे हैं तो खेलने के लिए दिया उन्होंने, रखेंगे थोड़ी इसको। तो अभी गाइज आज भी 12 बज चुके हैं रात को, और थोड़ी देर गेम खेला, थोड़ी देर मस्ती की, थोड़ी देर बातचीत की। और पीयूष गाना सुनाना चाहेगा कोई? तो मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूंगा गाइज, ये पीयूष जोशी के द्वारा कंपोज किया गया है। आए हो मेरे चैनल पे तुम व्यूज 1000 बन के, मेरे चैनल पे तू यू ही रहना, मेरे चैनल पे तू यू ही रहना, तुम सब्सक्राइबर लाखों बन के आए। ओ मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, ये ला 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 ला। भाई उठाया कौन इनको, उठाया कौन? और ये कंफ्यूज हो गया कौन सा उठाऊं। और ये सोच रहे एक दो नोट मैं भी रख लेता हूँ। ले रख ये ओह छुपा रखा है भाई साहब। अभी भाई वो माला माल हो गया, वो सोच रहे माला माल हो गया मैं तो। अरे नमस्ते, अरे नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते ओली, अरे नमस्ते। आज तो पीयूष ने छुट्टी कर ली, बट कल पीयूष को छुट्टी नहीं करवानी, ठीक है? सुबह उठा देना उसको 6 बजे, ताकि वो स्कूल चला जाए। भाई स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है, इनको कह दो उठा देंगे, मैं खींच के ले जाऊंगा स्कूल तक। हैं चलो ठीक है, बाय। ठीक है बाय, गुड नाइट। कितने पैसे लूटे आज? सच्चे बता कितने पैसे लूटे, बता। क्या वो नींद आ रही? बड़ी मम्मी की याद आ रही क्या? गए सभी तो अभी थी। ठीक है सो जा। तो फिलहाल मैंने ये वाला ब्लॉग भी एडिट कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है, बस एड करते हैं फिलहाल ब्लॉग को। रात के बज चुके हैं 2, तो एक प्रॉब्लम होगी, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरा ये वाला माइक है ये भी ख़राब हो चुका है। बीच आपको कहीं पर चर्चर आवाज़ आई होगी तो माइक ख़राब हो चुका है, ज़्यादा हिलाने में इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देख लो, एक चीज़ ठीक होती है फिर दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। चलो अब माइक चेंज करना पड़ेगा, नया मंगवाना पड़ेगा। चलो अब यूज़ करेंगे तो खराब हो गई। एनीवेज इस व्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ओए ओ ओ ओ